तो मैं वापस आ गया एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज, माइनक्राफ्ट की सीरीज। अब देखते हैं तुम लोगों का सपोर्ट कितना आता है। सपोर्ट आया तो ठीक है, वरना भैया क्या करे। भैया गेम प्ले तो नहीं डालूंगा लेकिन खेलूंगा जरूर। मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, बहुत सालों से सपना था भाई मैं अपने फ़ोन पे खेल सकूँ। कीमत कम करने की वजह से खेल पाया, वरना 650 का कौन लेगा। तो फिलहाल जो है अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हैं ईजी। भाई मौका तो पीसफुल की है, लेकिन भाई पीसफुल पे कौन ही खेलेगा। पीसफुल पे खेलोगे तो बोलोगे बच्चा है तू, तो मैं चलो ईजी पर ही खेल लेते हैं। और जो है मैं पर अपने कोऑर्डिनेट्स का भी ऑप्शन चालू कर देता हूँ, डेज का भी ऑप्शन चालू कर देते हैं। डेज का किधर है भाई, चलो जाने दो। और ये मैंने कुछ एडवांस लिया हुआ है, बस टॉर्च वाला एडन लिया है। अब कोई चीटिंग नहीं बोलेगा, चीटिंग नहीं बोलेगा क्योंकि माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर प्लेयर्स कुछ भी कोई भी आइटम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। स्वॉर्ड पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, और पॉकेट एडिशन में ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। मतलब भाई हम कोई भी आइटम हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, वो मस्त अपने टॉर्च हाथ में पकड़ के घूमते हैं। हम नॉर्मली हाथ में पकड़े तब भी हमको कुछ नहीं दिखता, तो इसलिए बस मैंने ये ऐड ऑन लिया है यूट्यूब से देख के। यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक वीडियो से मुझे जो मिल गया ये मोड मैंने ख़रीदा नहीं है। और बाकी के जो दो देखे तो भाई वो फ्री में मिले। सॉरी मैंने थर्ड पर्सन पे करके रखा है, ज़रा वीडियो को फर्स्ट पर्सन पे करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पर आसपास तो कोई पेड़ ही नहीं है भाई। किधर है पेड़ भाई, आसपास तो कुछ पेड़ दिख नहीं रहा। कहाँ पे जाऊँ, चलो उधर कुछ पेड़ दिख तो रहा है, लेकिन भैया वो पानी में, पानी में जाके मैं क्या करूँ। लगता है पहाड़ चढ़ के ऊपर चेरी ब्लॉसम ये लेना पड़ेगा, चेरी ब्लॉसम के पेड़ लेने पड़ेंगे। और पता नहीं गेम का कौन से ऐसे हैं भाई, बीच बीच में अटक रहा है, पता नहीं क्यों बीच बीच में अटक रहा है। अब ये डिवाइस का इशू है या फिर भाई बच गया, सीधा नीचे कूदने वाला था मैं, बच गया। खैर तो मैं बोल रहा था कि पता नहीं क्यों बीच बीच में अटकता रहता है। और अभी मैं ज़्यादा ही आगे आ रहा हूँ, मुझे लकड़ी चाहिए, मैं करके आ रहा हूँ। पहले लकड़ी तोड़ लेते हैं यहाँ से, लकड़ी चलो तोड़ के हो गई। हेलो सर, मर गया ये क्रीपर, कहाँ से स्पॉन हो गया, अभी तो नहीं था बे, मेरे पास तो टूल भी नहीं है, इससे क्या लड़ूँ मैं, क्या घंटा लड़ूँ। ये देखो ये गले लगने आ रहा है, निकल। अबे यार फट गया, हार्ट का डैमेज देके गया। खैर अपने को फिलहाल पत्थर चाहिए क्योंकि इधर आसपास डायमंड तो मिलेगा नहीं, डायमंड के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और अंदर ऐसे मेरे को बहुत डर लगता है, तो फिलहाल स्टोन के ही कुछ ये बना लेते हैं। उधर स्टोन पड़ा है, पहले आराम से उतरना पड़ेगा। इधर ये केव है, खैर अरे बाप रे मर गया, बच गया। ये पीछे कौन, बिल्ली था या कुत्ता था भाई। खैर अभी यहाँ पर जो है थोड़ी प्लैंक्स बना लेते हैं, प्लैंक्स से बनेंगे सबसे पहले प्लैंक्स, उससे के बाद स्टिक्स। चलो थोड़ी स्टिक्स काफ़ी हो गई, ये हो गया क्राफ्टिंग टेबल, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बना लेते हैं एक पिकैक्स, और इस पिकैक्स से सबसे पहले इधर दो चार जो है ये स्टोन तोड़ लेते हैं। दूसरा तीसरा स्टोन चौथा, चलो तीन स्टोन हो गए। अभी ये स्टोन की पिकैक्स बना ली, अब बाकी के सारे स्टोन माइन कर लेते हैं और बाकी के भी टूल्स बना लेते हैं ऐसे ही। तो सारे टूल्स बना के तो हो गए, अब यहाँ पर जो थोड़ी सी हंटिंग कर लेते क्योंकि खाना भी चाहिए। और जो है मुझे अपना बेड भी बनाना है, मुझे तीन वूल चाहिए। तू भी आ भाई, एक हिट में गया, ये स्टोन वाली सॉर्ड है फिर भी इतनी पावरफुल। खैर मुझे जो है सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपना पास कुछ खाना है ना, तो सबसे पहले जो है अपना फर्नेस जो है यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, कुछ खाने के लिए पका लेते हैं। तब तक जो है अपना बेड भी बन जाएगा। अभी जो है कुछ ज़्यादा ही रात हो रही है तो सो जाते हैं सबसे पहले तो, और खाना तो अपना पकता रहेगा। अरे जल्दी सो जा, जल्दी सो जा, वरना ये ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो गए तो छोड़ेंगे नहीं। और क्रीपर तो आके ऐसे मुंह पे फट जाता है, और स्केलेटन भाई वो तो दूर से निशानेबाजी करेगा। सो जा जल्दी, ये मेरा करेक्टर सोता क्यों नहीं है अभी, जल्दी सो जा। हाँ चलो सो गया, मेरे पास आर्मर नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर आर्मर नाम की भी चीज़ बनानी पड़ती है, और वो भी अलग अलग टाइप की।
चलो ये भी पका लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने डिसाइड किया यहाँ से आगे मैं बोट से जाऊँगा। यहाँ पर आसपास कुछ अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं जो है थोड़ा टेम्प्ररी बेस बना सकूँ। अपना परमानेंट बेस तो बाद में बनेंगी, पहले यहाँ पर आसपास भाई बहुत सारी केव्स है भाई, इतनी ज़्यादा बड़ी केव्स और घनी केव्स। चलो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा कोल भी मिल गया अपने लिए, ये बन जाएगा टॉर्च बन जाएगी अपने लिए। चलो चलो ये पत्थरों वाले लैंड पे आ गया। ये क्या है भाई? अरे लो मेरे को आयरन मिल गया। चलो इसको तोड़ लेता हूँ। कितना सा आयरन है? एक आयरन है, दो आयरन है, बस दो ही है। अरे भैया और ज़्यादा दे देते हैं। अरे नीचे भी आयरन है। अरे ज़रा संभाल के उतरना पड़ेगा वरना फॉल डैमेज पड़ेगा। नहीं पड़ा, चलो ये भी ले लेते। तीसरा तीसरा आयरन। चलो एक आयरन बकेट तो बन जाएगी, बकेट भी बनानी ज़रूरी पड़ जाती है फॉल डैमेज से बचने के लिए। अब एमएलजी करूँगा कि नहीं मेरे को खुद को नहीं मालूम। आसपास और भी आयरन या फिर कोल पड़ा होगा। तो ये देखो बोला ही था और मेरे को दो आयरन और मिल गए, लेकिन इतने से दो आयरन से मैं क्या ही उखाड़ लूँगा। चलो ये कॉपर है, कॉपर का भी एक आध आर्मर वार्मर डाल दो। ज़्यादा कुछ इस्तेमाल है नहीं इस कॉपर का, बस इससे डोर बना सकते हैं, छोटा एक आध ब्लॉक बना सकते हैं बस। बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के काम आते हैं, बाकी ये ज़्यादा काम का है नहीं। इसका भी एक आध आर्मर बना ही दो मज़ा आएगा भाई आर्मर पहन के, कॉपर आर्मर एकदम बिजली वाली वो इलेक्ट्रो वाली पावर दे दो भाई। बिजली हाथ में गिरे तो जिसको भी छूँ उसको झटका लगे, ऐसा कुछ पावर वावर डाल दो भाई कॉपर आयरन में, कॉपर के ये करके ये आर्मर बना के मज़ा आएगा भाई। और ये लो और कोल। अरे कितना कोल है भाई, सारा कोल तोड़ लेंगे, काम आएगा फर्नेस जलाने के लिए काम आएगा। चलो यहाँ आसपास और कुछ है? अरे अरे ये तो विलेज है भाई, अरे ये तो विलेज है। चलो 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 विलेज आ गया। चलो अच्छा है मेरे को विलेज मिल गया, अब यहाँ से चलते हैं भाई। अरे बाप रे भाई, एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही उछल रहा हूँ मैं, गिर गया। खैर अब मेरे को विलेज तो मिल गया अच्छा खासा, अच्छा है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, थोड़ा ढंग का तो विलेज है। चलो अबैंडन तो नहीं है। ये देखो विलेजर, नल्ला विलेजर, कोई काम धंधा नहीं है तेरे पास? ये वो देखो ये भी एक नल्ला विलेजर। अरे इधर किन लोगों के पास काम धंधा नहीं है? ये देखो गोलम दद्दा, हेलो हेलो गोलम दद्दा, अपना काम कर रहा? भावी नहीं दे रहा भाई मेरे को भावी नहीं दे रहा, आप सामने तेरे खड़ा हूँ। चलो इस चेस्ट में क्या है? चलो दो गोल्ड के इंगट हैं, इसका मैं क्या ही करूँगा फिलहाल। तो यहाँ पर स्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। चलो अभी इतनी सी चेस्ट में तो सारा सामान रहेगा नहीं, बाकी इस चेस्ट को डबल चेस्ट बना देते हैं और डायरेक्ट रेसिपी भी मैं ले सकता हूँ। इसके अंदर ही होल्ड करके आगे प्रेस करते रहना पड़ता है, बहुत दिक्कत की बात है। चलो एक और चेस्ट मेरी बन चुकी है, बन के तैयार। मैं कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? चलो ये लगा दिए इधर चेस्ट और यहाँ पर जो है सारा सामान एक साथ कर देते हैं। प्लैंक्स वगैरह बाकी का सामान अंदर फेंक देते हैं और यहाँ पर अपना जो है फर्नेस भी लगा देते हैं साथ में, उसके अंदर ये स्मेल्ट होता रहेगा अपना सारा आयरन। तो चलो आयरन अपना जो है यहाँ पर स्मेल्ट हो रहा है, पांच इंगट तो बन ही जाएंगे आयरन के इंगट। और मैंने वो इंगट को सॉरी नगेट को इंगट बोल दिया भाई, इसका मैं चेस्ट प्लेट नहीं बना सकता, बहुत बढ़िया इसके चेस्ट प्लेट नहीं बना सकता मैं। चलो हेलमेट ही बना लेते हैं, वो क्रीपर नहीं स्केलेटन जो मुंह पे ये फोड़ देता है, मुंह पे फोड़ता नहीं तीर मारता है, उससे तो बच जाऊंगा मैं, हेडशॉट से तो बच जाऊंगा। चलो ये लो अपने स्मेल्ट हो चुके हैं, यहाँ पर पांच आयरन इंगट रॉ आयरन से आयरन इंगट मिल गया। अरे भैया ये ठीक है रेसिपी खुल गई, अब हटो ना, कहाँ पे ये मैसेज की लिस्ट भी कहाँ पे खुल रही है? अब जो बचा कुचा ये जो कॉपर मिला है, इस कॉपर को भी स्मेल्ट कर देते हैं। पता नहीं इसको करके करूँगा क्या मैं, ज़्यादा तो काम आता नहीं है, बिल्ड के अलावा ज़्यादा काम आएगा नहीं। डोर वोर बना लेंगे कभी, लेकिन अपना घर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, अपना बेस जो है बाद में बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है मेरे को सेटल होने दो भाई, थोड़ा मेरे को समझने दो गेम को, क्योंकि मेरे को थोड़ी नॉलेज पता है, नॉलेज है मेरे पास लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। चलो अपना रिस्पॉन पॉइंट यहाँ पर सेट कर दिया। ये क्या देगा भाई? 20 वीट, ओहो 20 वीट से का एक एमराल्ड भाई, कुछ ज़्यादा नहीं है? मेरे को सोने दे।
चलो दूसरा दिन यहाँ से निकलते हैं। अब आगे यहाँ पर आसपास और पूरा ये विलेज जो है एक्सप्लोर करके करके देखते हैं कुछ लूट वूट मिलती है कि नहीं। मेरे दिमाग में बस आया कि इस माइन के अंदर जाके देखे कितनी गहरी माइन है। यहाँ से तो जाना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से, अंदर घुसते हैं। पहले पिकेक से सबसे पहले दरवाजे भागने का दरवाज़ा बना लेते हैं, वरना भैया क्रीपर अगर मुंह पे फट गया तो भागने के लिए जगह तो मिल जाएगी। अब देखते हैं अंदर कितने सारे मॉब्स हैं। बहुत डर लग रहा है भाई मेरे को। एंडरमैन तो ना हो ना, वरना वो टेलीपोर्ट हो के मारेगा मेरे को। यहाँ पर मैंने ब्लॉक करने के लिए ये क्यों ले लिया। खैर आसपास तो कोई मॉब नहीं है। चुपचाप जो है अपना पिकेक से ये सब, मैंने इसको क्यों रखा। खैर मैं जो है अपना ये तोड़ लेता हूँ। अंदर बस कोल ही मिला मेरे को, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो मैं वापस घर पर आ गया। अब चलो थोड़ा फाइट वाइट कर लेते हैं। मैंने अपनी जो है इन्वेंट्री अच्छे से सेट करके रखी है, क्योंकि मर जाऊँगा तो भाई मेरे को सारा सामान तो मिलेगा नहीं। मैंने चिट एक्टिवेट तो करा नहीं है इसके अंदर। अब ज़रा गोलेम दद्दा के पास चलते, वो देखो वो मार रहे सभी जॉम्बीज को, मारता रहे, मेरे को लूट मिलती रहेगी। स्केलेटन कहाँ पर है भाई, उससे कम से कम एरो मिल जाएगा। वो देखो पूरा जॉम्बी का खानदान घर के बाहर खड़ा है। अरे गोलेम दद्दा उधर चलो, उधर उधर मैं इधर, लीड भी नहीं मिलती। लीड के लिए भैया स्लाइम चाहिए, स्लाइम बॉल। कहाँ से मिलेगी स्लाइम, इधर स्लाइम स्पॉन ही नहीं होता भाई। अरे गोलेम दद्दा चलो ना उधर। अब वो देखो देख लिया उसने, वो पूरे खानदान से लड़ेगा। अब जॉम्बी का पूरा खानदान तो गया। ये लो एक जॉम्बी गया, दूसरा दूसरा गया, तीसरा भी गया। चलो ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं करा रोटन फ्लैश के अलावा। स्केलेटन कहाँ पर है, स्केलेटन या फिर मेरे को यही दे दो स्पाइडर मिल जाए। इधर सारे लाइट्स जलाए हुए हैं तो इधर स्पॉन नहीं होंगे। बाहर जाऊँगा तो अब एक क्रीपर तेरी ऐसे कैसे मर, ये कहाँ से प्रकट हो गया ये ले एक और फटका। अरे तीन फटके में भी नहीं मरा, ये ले चौथा फटका, चौथे में मर गया। हाँ तुम्हें कहाँ पे था, बाहर जाऊँगा तो ये ऐसे ही कोई ना कोई मुंह पे फटेगा। तू कहाँ से आ रहा है, निकलना इधर से, तेरी ऐसी की तैसी मर। 5 डैमेज है भाई। अबे भैया बच गया बच गया, सही टाइम पे उसके मुंह पे मारा, वरना मर जाता अभी मैं। वो देखो गोलेम घूम रहा है। अरे कहाँ पे जा रहा है, ये देखो एक और जॉम्बी। क्या कर रहा है भाई घर के अंदर, तेरे को प्रवेश निषेध है, क्या कर रहा है, तेरे को नो एंट्री है तो घर में जबरदस्ती ताका जाकी, दूसरों के घर में ताका जाकी करेगा, ताका जाकी करेगा। मर मर चलो गया। हाँ स्केलेटन या फिर यही दे दो भाई स्पाइडर, मेरे को कम से कम स्ट्रिंग तो मिल जाएगी। स्ट्रिंगिंग ओ कहाँ 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 क्रीपर स्पॉन हो रहे हैं। ये क्रीपर को तो कुछ बोलता नहीं गोलेम, पता नहीं भाई गोलेम की इससे क्या दोस्ती है। बस अंडर सॉरी क्रीपर को नहीं मारता। अरे चलो मेरे को बोन मिल गया। इधर के स्केलेटन को कौन मारा पता नहीं भाई। खैर एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मेरा घर नहीं है, सॉरी मैंने ये अपने हाथ में एक ही नहीं पकड़ी लालटेन। मैंने इतना मोड़ लगाया अंधेरे से बचने के लिए और उसका यूज ही नहीं कर रहा। हाँ तो आसपास कहीं पर कोई मॉब है, दिख तो नहीं रहा भाई। अरे स्पॉन ही नहीं हुआ, इजी में स्पॉन नहीं होते क्या ज़्यादा, माइन के अंदर तो बहुत स्पॉन होंगे माइन के अंदर। ये देखो फिर से एक आध जॉम्बी का पूरा ये परिवार, जॉम्बी का परिवार। एक क्रीपर भाई, तू क्रीपर सारे ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं। अरे निकलना इधर से, एक तो मुंह पे आके फटेगा, फटेगा तो फटेगा, तो कुछ देगा भी नहीं। ये देखो पेड़ वो फोड़ दिया उस साले ने पेड़ ही तोड़ दिया। मेरी हेल्थ कम हो गई, ज़रा मैं ये खा लेता हूँ खाना। और इस ये तो ज़्यादा मारपीट कर नहीं रहा, इसके रास्ते में कोई आया तो ही मारेगा। हाँ वो देखो तीर परफेक्ट मार रहा है, वो तीर मार रहा है। अरे देख लिया गोलेम ने, देख लिया अभी ये गया, अभी ये गया। ये देखो एक और, अबे ये क्या, तू प्लेयर की स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहा है, ऊपर चढ़ के मारना, तेरी ऐसी की तैसी नीचे उतर। अबे यार ये क्या, एक हाथ गोलेम पे पड़ गया भाई, उसका ध्यान वैसे भी ज़्यादा आ गया। ये लो मार दिया।
अबे मेरे को नहीं मारेगा, नहीं मेरे को नहीं मारेगा भाई। क्या है, गोलेम ने उसको ऊपर उछाला, मस्त फायदा उठा रहा है भाई। हाइट एडवांटेज, ये हाइट एडवांटेज वाला कांड तो सिर्फ हम ही करते भाई, प्लेयर्स मॉब नहीं करते भाई। ये देखो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, उधर चलना चलना उधर। अबे तेरी पीछे से आके फट गया। चलो मेरे को ये मिल गया, आयरन इंगट तू मिल गया, चलो फोकट में। ये देखो मेरे घर के बाहर बैठे हैं, मैं ज़रा इधर उठ के पूरा दिन कर लेता हूँ। हाँ उठ जा बे, ये इसका लूर गया, हट जा, मेरे को सोने दे, मैं सोऊंगा तो नाइट होगी, तो नाइट की सुबह होगी। ओके वो देखो वो जलना स्टार्ट कर दिए, एक सेकंड। वो विलेजर का पागल है, पागल का था विलेजर। तेरी ऐसी कैसे निकल, दरवाजा क्यों खोला, मैं मार देता हाँ साला, मर गया विलेजर। चलो कोई नहीं, उसका बेड अब मेरा, वो ऐसे भी आके फार्मर उधर बैठ गए, बेड पे बैठ जाता था, कोई नहीं। चलो अब ये पूरा बेड मेरा, पूरा घर ही मेरा। चलो ज़रा आसपास की जगह देखते हैं, वो देखो स्केलेटन, ज़रा कवर ले लेके चलते हैं। अबे तेरी मर रहा है, निकल निकल, मर मर गया। चलो मेरे को एरो देखे गया, गया तो गया, एरो देखे गया। अबे तेरी ये क्या दूसरा स्केलेटन, वहाँ बचने का मस्त तरीका ढूंढ के रखा है भाई, सीधा पानी में कूद जाओ। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को एक से मारूंगा मैं, मर 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 गया। क्या देखे गया, बोन नहीं, बोन ही देखे जा रहे हैं भाई, नहीं बोन और एरो देखे गया वो। क्या चलते आगे, ये क्या देगा भाई, 26 पोटैटो नहीं है मेरे पास पोटैटो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।